और चलिए आगे बढ़ेंगे भोपाल से मिल रही अगली खबर, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोषणा की है। तो भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है, ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोषणा की है, ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाएंगे। और क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, आपको सुनवाते हैं। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। हमें बीजेपी और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ गए हैं। दुष्यंत, पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत लगातार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी बताने का आरोप लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने घोषणा की है कि 27% आरक्षण निकाय चुनाव में दिया जाएगा ओबीसी वर्ग को। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी घोषणा कमलनाथ की कही जा सकती है, और जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है और ये कहा है कि जिस तरीके की सरकार ने काम किया है, सरकार चाहती तो संविधान में संशोधन करा के ओबीसी को आरक्षण दे सकती थी, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया और जिस तरीके से जो आंकड़े पेश किए कोर्ट में, उससे कहीं ना कहीं इस तरीके का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस जब चुनाव होंगे तो निकाय चुनावों में कांग्रेस 27% ओबीसी को आरक्षण देगी और आरक्षित टिकट जो है आरक्षित वर्ग को दिए जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में गरमाई हुई है और जिस तरीके से लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की घोषणा मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने की थी उस पर अमल हो सके, उसको अमल में लाया जा सके, और अमल में लाने के लिए प्रयास था कि कोर्ट की लड़ाई जो है वो कांग्रेस और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के बीच में लड़ाई देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये घोषणा या फैसला, ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। लेकिन अब एक कोशिश ये की जा रही है, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पक्ष ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ओबीसी को आरक्षण 27% दिया जाना था कोर्ट वो चुनावों में, वो अगर उनको कोर्ट की तरफ से या फिर ये कहें कि संवैधानिक रूप से वैसे नहीं दिया जा रहा, तो 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, आरक्षण टिकट जो है वो दिए जाएंगे और कोशिश यही है कि ओबीसी वर्ग का जो 27% का आरक्षण है वो उनको पूरी तरीके से मिल सके। जी बिल्कुल दुष्यंत, देखिए कोशिश तो यही की जा रही है बीजेपी की तरफ से भी। हम देख रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पर आरोप तो लगाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश दौरा भी निरस्त कर दिया है, साथ ही साथ कई दौरे निरस्त किए गए, कई कार्यक्रम निरस्त किए गए हैं। ओबीसी वर्ग को नाराज ना हो सके इसे लेकर भी लगातार प्रयास करो, और एक बैठक भी होने वाली थी। हाँ बिल्कुल, देखिए बैठक जिस तरीके से तमाम सारी बैठकें जो है वो अब तो आयोजित होंगी ही, और लगातार देखिए सरकार को किस तरीके से काम करना है, कैसे चुनाव कंडक्ट कराने, इन सब तमाम सारी चीजों से जूझना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि निर्वाचन आयोग की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, तो चुनाव आयुक्त बीपी सिंह ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव कराने के लिए वो
तैयारी कर रहे हैं और जून में इसके चुनाव जो है तो पूरी तरीके से कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव की तैयारी जो चुनाव आयुक्त है वो पूरी कर चुके हैं, लेकिन पंचायत चुनावों की तैयारी अभी थोड़ी सी बाकी है। थोड़ी जो कुछ प्रक्रियाएं अभी बाकी है तो वो प्रक्रियाएं पूरी करके पंचायत चुनाव भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो ये साफ कहते हुए नजर आए हैं कि 12 जून को हम निकाय चुनाव पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में आ जाएंगे, तो वहीं 30 जून को हम निकाय चुनाव की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो ऐसे में दोनों चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जून माह में कराए जा सकते हैं। अगर कहीं जो उनको अधिसूचना जारी करने की बात है, जो जिस तरीके के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे, तो वो अधिसूचना भी जल्द ही जारी होगी और अधिसूचना के तहत चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, चुनाव की जो तारीख निर्धारित है, वो उस हिसाब से वो घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल दुष्यंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ओबीसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है कांग्रेस ने। निकाय चुनाव में 27% सीटें दी जाएंगी ओबीसी को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह घोषणा की है। तो पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार सियासत देखी गई मध्य प्रदेश में। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी था। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा की, 27% टिकट दिए जाएंगे ओबीसी को निकाय चुनाव में। तो बड़ा फैसला कह सकते हैं ये ओबीसी का। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा था कि पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस के 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाएं। उसके बाद बड़ी घोषणा की गई है कांग्रेस की तरफ से, बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में, जिसमें आरक्षण के बिना ही ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन की बात कही। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया कि सरकार के पास रिव्यू कराने का कोई भी ठोस आधार नहीं है। वहीं कोर्ट का कहना था कि निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी करे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने यह बड़ी घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुना दिया है, जिसके बाद लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने यह बड़ी घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को ओबीसी विरोधी बता रहे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान किया है, 27% टिकट निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को दिए जाएंगे। बड़ी घोषणा की है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। सत्ताईस फीसदी से ज़्यादा वोट ओबीसी लोग तो उनको देगी। इसके पहले कमलनाथ ने कुछ देर पहले घोषणा की थी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में ओबीसी के 27% लोगों को टिकट देगी। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की बात कही जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का फैसला दिया है और चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं,
जून में चुनाव करा लिए जाएंगे। रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात हो रही है, लेकिन रिव्यू पिटीशन का जो इतिहास है वो ये बताता है कि 99% ऐसी रिव्यू पिटीशन पुराने मामलों में ही होती है और नई रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी जाती है। संभवतः सरकार ने भी विधि विशेषज्ञों से राय मशवरा किया और उसके बाद से सरकार को भी लगने लगा है कि शायद रिव्यू पिटीशन के माध्यम से वो फिर से खाली हाथ रह सकती है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही नहीं अपनी तरफ से अपने अपनी पार्टी के लोगों को 27% OBC आरक्षण देने की बात कही है। तो SC ST आरक्षण पहले से 36% था और अब OBC आरक्षण की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल की कोशिशें दोनों ही दलों ने की है। अब उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी इसमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी OBC आयोग का गठन किया गया था और जिसने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें साफ तौर पर बताया गया कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी OBC की है। बालाघाट सर्वाधिक OBC आबादी वाला जिला है, जहां पर 63% से ज़्यादा OBC आबादी है। ऐसे में आधी आबादी को नाराज करने का जोखिम कोई भी दल नहीं ले सकता था। बीजेपी और कांग्रेस कल से ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि उन्हीं के कारण OBC आरक्षण खत्म हो गया है या पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण नहीं मिल पाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदेश यात्रा पर जाने वाले थे, उन्होंने अपनी विदेश यात्रा इसी कारण स्थगित कर दी। विधि विशेषज्ञों से कल से ही दोनों ही दल राय मशवरा कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन के माध्यम से क्या 27% आरक्षण दिया जा सकता है या पुरानी स्थिति में जो 14% आरक्षण पहले दिया जा रहा था मध्य प्रदेश में OBC को वो दिया जा सकता है। लेकिन आज की इस घोषणा के बाद एक बड़ा ऐलान दोनों ही दलों ने कह सकते हैं किया है, क्योंकि जनरल सीटों पर OBC सीट उम्मीदवार खड़ा करने में कोई परेशानी नहीं है। तो दोनों दलों के पास ये आंकड़े हैं कि किस जिले में OBC की कितनी आबादी है या कौन सा जो वार्ड है वो OBC बहु लेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी टिकटों का वितरण किया जा सकता है। ऋतु जी बिल्कुल, मनोज जी एक बड़ी घोषणा तो की ही है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, क्योंकि जब हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन की बात कही थी तब भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस का कहना था कि सरकार के पास कोई ठोस आधार नहीं है, रिव्यू पिटीशन की बात कही जा रही है। देखिए ट्रिपल टेस्ट की जो बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि पिछड़ों को आर्थिक शैक्षणिक इन सारे बिंदुओं पर एक सर्वे कराकर सौंपना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसमें खामी मानी थी कि ये ट्रिपल टेस्ट उस पूरे मानकों पर खरा नहीं उतरा था जैसा सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था। इसके बाद से ये कहा जा रहा था, आशंका जताई जा रही थी शायद जो रिव्यू पिटीशन जैसे मैंने पहले कहा। मैं आपको यहां रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी से विधायक हरिशंकर खटीक जी जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। हेलो हरिशंकर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? थोड़ा आवाज उसका वॉल्यूम बढ़ाइए, बिल्कुल स्लो आ रही है जी। हरिशंकर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है आवाज, आ रही है जी। हरिशंकर जी, सुप्रीम कोर्ट के OBC आरक्षण पर फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है कि 27% सीटें OBC वर्ग को दी जाएंगी निकाय चुनाव पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए एक कांग्रेस पार्टी सिर्फ छोटी घोषणाएं करती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो जमीन पर जो बोलती है हमारे हमारे प्रदेश की या केंद्र की नेतृत्व तो वो काम करके दिखाती है। ठीक है, ये चुनाव चाहते हैं तो पहले इनने अपना मुंह मचाया, खुद पैच किया, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हीं ने चुनाव मचाया। और 2019 में इन्हें चुनाव करा देना चाहिए थे, 2020 में चुनाव नगरीय निकायों के करा देना चाहिए थे। इनने आखिर चुनाव 2019 में पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं कराए नगरीय निकायों के? तो इनने सिर्फ घुमा फिराव का काम किया है। और रही बात ये चुनाव, तो अब चुनाव चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो सबको ही करेगा, लेकिन हमारे मतभेद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि हम पुनर्याचिका दायर करेंगे, जिससे 50% हमारे जो मतभेद में पिछड़ा वर्ग के हमारे जो भाई रहते हैं उनको पर्याप्त आरक्षण मिल सके और मतभेद में आरक्षण OBC के आरक्षण के साथ ही हम चुनाव कराना चाहते हैं। हमारे मतभेद के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है और मतभेद के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है। तो ये है रही बात चुनाव की, तो अब ये चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम 27% OBC के लिए वो टिकट देंगे। अरे ये 27% की बात कर रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है 50% आरक्षण तक हो जाए, हम तो उसके आधार पर भी कराना चाहते हैं। एक आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ा वर्ग के लोगों को, उनके हक को, उनके न्याय को सम्मान मिलना चाहिए, उनको किसी भी हालत में दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन 27% आरक्षण की बात करें कि हम उनको टिकट देंगे, ये 27% लोगों को आरक्षण में टिकट देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो और उससे ज्यादा ही मांग रही है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सर्वे कराया है, मतभेद में सर्वे हुआ है, सर्वे में लगभग 50% के आसपास भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग का जनसंख्या पाई गई है, मापदंड पाया गया है। तो उसके आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी वैसे ही 35% आरक्षण मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग को 35% आरक्षण दिया जाए।
और हम चाहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। जी हरिशंकर जी, आरक्षण मिलने की बात तो कही जा रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने भी ऐलान कर दिया कि 27% से ज्यादा आरक्षण ओबीसी वर्ग को, ज्यादा सीटें दी जाएंगी ओबीसी वर्ग को। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है? जी, उनकी घोषणा यही है कि 27% से ज्यादा सीटें दी जाएंगी ओबीसी वर्ग को। इस पर क्या कहेंगे? अभी तो आरक्षण की बात हो रही थी कि आरक्षण के अनुसार चाहती है बीजेपी के चुनाव हो। हमारे मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर कहा है तो भारतीय तो उनके लिए होगा। हम चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को एक सम्मान के आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए और उसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आप बोल रही हैं कि आप कहा है उनने, हम आपकी आवाज के आधार पर बोल सकते हैं कि आपने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, तो उसके आधार पर आरक्षण 27% क्या उससे ज्यादा लोग हम पिछड़ा वर्ग के उसमें खड़े करेंगे और पिछड़ा वर्ग के आधार पर चुनाव होगा। हरिशंकर जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी जुड़े हैं। मनोज जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हरिशंकर जी, मैंने तो कल से आपसे मैंने पूछा ही था ये सवाल कि आप या इसके लिए रिकमेंड करेंगे, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है, तो वो आधार क्या होगा? क्या जो आपने जो कहा है कि डाटा आपके पास तैयार है, सरकार के पास तैयार है, तो उन चुनिंदा क्षेत्रों में जो ओबीसी बहुल सीटें हैं वहाँ पर ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, या जो सीटें ओबीसी आरक्षण में आने वाली थी वहाँ दिया जाएगा, या उन तमाम सारी सीटों पर? हेलो हेलो, हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही, थोड़ा तेज कर दीजिए आप, बहुत स्लो आ रही है। हेलो, जी हरिशंकर जी, अभी वीडी शर्मा जी ने जो घोषणा की है 27% लोगों को ओबीसी वर्ग को टिकटों में आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या ये वो सीटें होंगी जो 27% आरक्षण वाली जहां पिछली बार आरक्षण होना था, या जो आपने जो सर्वे कराया है वो कई जगह जो ओबीसीओं की आपके पास डाटा है कि जहाँ पर आबादी ज्यादा है, तो उन सीटों पर आप ओबीसी उम्मीदवारों को उतारेंगे? देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा सर्वे कराया गया पूरा मतदेश में, और जहाँ पिछड़ा वर्ग समुदाय की बाहुलता है वहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा, और स्वाभाविक है कि आरक्षण को मिलना चाहिए। बिना पिछड़ा वर्ग के चुनाव कराए नहीं जा सकते, क्योंकि एक समाज वर्ग को किसी भी प्रकार से उनको ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। उनकी बहुलता है और बहुलता के आधार पर उनको आरक्षण भी मिलना चाहिए और उनको टिकट भी मिलना चाहिए। लेकिन जो आरोप कांग्रेस भी लगा रही कि आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और आप ही के कारण ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पाया, और अब जब दोनों दलों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण देंगे, तो इसका क्या मतलब मान लिया जाए कि जो रिव्यू पिटीशन की बात सरकार की ओर से की जा रही थी उसको लेके सरकार के मन में डर है कहीं ना कहीं कि ये खारिज हो जाएगी, इसीलिए दोनों दलों ने पहले से ऐलान कर दिया? देखिए, सब लोग विश्वास करते हैं कार्यपालिका पे, एक विधायिका पे और एक न्यायपालिका पे। न्यायपालिका को भी सर्वोच्च माना गया है, उसमें कहीं किसी प्रकार से विश्वास हर व्यक्ति को होता है, लेकिन न्याय जो मिलता है उस न्याय के आधार पर हम लोग कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग को लिए बिना चुनाव नहीं किए जा सकते, और फिर पार्टी का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछड़ा वर्ग के हैं, हमारे कार्यकर्ता, तो उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा और चुनाव लड़ाने के आधार पर वो किया जा सकता है। रही बात पुनर्याचिका दायर की, तो पुनर्याचिका भी हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कल कहा था कि हम पुनर्याचिका दायर करेंगे, और पुनर्याचिका दायर करने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि पुनर्याचिका दायर भी करेंगे, और पूरा विश्वास भी है के न्यायालय के माध्यम से अच्छे हमारे अधिवक्ता वहाँ खड़े होंगे, और माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके समक्ष पिछड़ा वर्ग के सम्मान में पूरी बात भी रखी जाएगी, और जिससे उनको न्याय मिल सके, और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। और न्याय के साथ साथ इसमें कोई वो नहीं हो सकता, जैसे पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं वो पिछड़ा वर्ग का एक बहुलता के आधार पर उनको आरक्षण के उसमें उनको टिकट भी दिए जाएंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य की बात हो, या फिर नगरी निकाय में नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम की बात हो, वहाँ पार्षदों का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, मेयर का चुनाव भी जहाँ पिछड़ा वर्ग की भागता है उसके आधार पर देने का, जैसा हर पार्टी करती है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर सकती है।
तो ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि 48% आबादी ओबीसी की है मध्य प्रदेश में, आपने जो सरकार है आपकी जो 35% ओबीसी आरक्षण की वकालत की थी, अब जब वीडी शर्मा जी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण हम देंगे या उतनी सीटों पर हम लोगों को उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या वो 35% होंगे या 48%? देखिए पार्टी का एक पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, इसमें विधि विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन पार्टी में जो अंदरूनी मामला है वो उसमें सब लोग बैठ करके जो निर्णय लेंगे वो पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा। बिल्कुल हरिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। दोनों ही दलों ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 27% सीटें दी जाएंगी ओबीसी वर्ग को, लेकिन इसके बाद अब क्या सियासत होगी ये देखना होगा।